मुझे माफ कर दे। अगर इतनी बड़ी कसम खाकर भी कोई झूठ बोल सकता है तो मुझे लोगों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। बस बहुत हो गया। मैं कसम खाता हूं कि अब आज के बाद किसी को औषधि नहीं दूंगा। पिछली बार की तरह शिरडी छोड़ के तो नहीं चले गए साई? नहीं साई, ऐसा नहीं कर सकता। उसने अपनी माँ को वचन दिया था, औरों की तरह नहीं है कि अपने वचन का मान न रखे। मैं उसे वापस लाऊंगी। भाईजा, हम साई को कहाँ ढूंढेंगे? ना तो उसकी दिशा पता है ना गंतव्य। एक माँ का हृदय जानता है कि उसका बेटा कहाँ है। मेरी ममता मुझे उसके पास जरूर लेकर जाएगी। साई! वो आप लोगों के पीछे पीछे साई को रोकने के लिए
जाएगा। त्रंबक साई, साई। अब्बा देखो। साई, 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 साई का। मैं पानी लेकर आता हूँ। सा, तुम कुछ भी मत बोलो, बस शांत रहो। त्रंबक, पानी। त्रंबक को घर लेकर चलते हैं। हाँ। आई। चल। बाबा, तुम घर जाओ। संभाल के। साई ने इन्हें नीम का काढ़ा तो पिलाया था, फिर भी ये ठीक क्यों नहीं हो रहे? साई ने इसके प्राण बचाए, लेकिन पकोड़े, नमक, इसके मिश्रण से इसके शरीर को जो क्षति पहुंची है, उससे उभरने के लिए इसे कुछ समय तो लगेगा ना। मैं तो कहती हूँ इन्हें हम कुलकर्णी सरकार के पास ले चलते, वही हमें बताएंगे आगे क्या करना है। इंतजार भी तो नहीं कर सकते ना, कौन जाने साई लौटे ना लौटे। मैं जानती हूँ साई लौटेगा और वही हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि हमें से कुछ लोगों को साई को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। जब तक साई की इच्छा ना हो, उन तक कौन पहुंच सकता है? और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि साई यहां से क्रोधित होकर नहीं गए, बल्कि उनके दिल को ठेस पहुंची है। जब जीवन में दुख का क्या देख रही हो भाईजा माँ? इस बार जाने के लिए नहीं आया हूँ। वचन दो। मैं वचन देता हूँ। ज्योत जला विश्वास मन का तुझको पार लगा श्रद्धा से जो शीश झुकाए। क्या खीर है? साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई। साधना करू नकाशी लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी। साधना करू नकाशी लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी। अरे ओ क्या हुआ, क्या हुआ, पानी नहीं है। अरे ओ ठीक इसी तरह त्रंबक भी बिना देखे पकोड़े खा गया था। वो तो सुवर्णा को देखकर ही अपनी सूझबूझ खो गया था। सरकार साई वाई सब भूल गया था। हरिओम हरिओम। तुम दोनों तो अभिनय में भी निपुण हो। मतलब प्रतिभा जैसे कूट कूट के भरे हैं तुम दोनों के अंदर। हरिओम। जाओ, जो लड्डू बनाया ना वो अंता पंता को ला के दो। बहुत दिनों के बाद इन दोनों ने कुछ अच्छा काम किया है। हरिओम। क्या अच्छा काम किया? जितना कहा है उतना किया करो रुक्मिणी। जाओ। सरकार, वैसे त्रंबक के तेरहवीं में बायजा का लड्डू तो बनवाएगी ना? मेरे वा...
बड़े के सामने मोर्चा बंदी हरियो भाईजा आपका को पाठ पढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया था अंतापंता। स्त्रियों का इतना साहस समाज के लिए हानिकारक होता है, समझो समाज का पतन निश्चित। हरियो अब समझ जाएगी वो, उसका भाई मरेगा, पूरी शिरडी ये समझेगी कि उसके भाई की मृत्यु का कारण साई है, साई का उपचार है। हरिओ हरिओ हरिओ। साई लौटे क्या? नहीं, हम भी उन्हीं की राह देख रहे हैं। बच्चों, जो यहां लिखा है उसे अपनी अपनी तख्ती में लिख लो। अध्यापक जी, क्या आपको पता है कि साई कहाँ गए हैं, वो कब आएंगे? कब आएंगे ये तो पता नहीं, पर आएंगे जरूर, इतना विश्वास है। साई की प्रतीक्षा में भी तो हम सब साई के साथ ही हैं ना। आप कौन? मैं साई। गुरु जी की आवाज कैसे सुनाई देने लगी? छा? लगता है साई ने फिर से चमत्कार किया। छा? छोड़कर कभी नहीं गया, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, कहाँ गया होगा साई? Thank you.
वचन सिर्फ शब्द नहीं, संबंधों की नींव है, और ये संबंध ही समाज की आधारशिला। इसलिए जब कोई वचन टूटता है तो उसकी चोट सिर्फ संबंधों को नहीं, समाज को भी सहनी पड़ती है। ये बात समझने वाले रघुवंशी राजा राम थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के वचन को भी नहीं टूटने दिया, मर्यादाओं का मान रखा, राजपाट छोड़ दिया, वनवास स्वीकार किया, लेकिन पिता के वचन का मान रखा। पर अब समाज में ऐसे राम क्यों नहीं मिलते, ऐसा त्याग क्यों नहीं दिखता? शायद सब स्वार्थी हो गए हैं, झूठ बोलने में किसी को डर नहीं लगता। अहम की दौड़ में संबंधों का हाथ छूटता जा रहा है। बाहर से तो सब साथ हैं, लेकिन अंदर से सब बहुत अकेले हैं, बहुत अंधकार में हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सब बच्चे यहाँ देखकर दोहराएंगे, दोहराओ। पांच एकम पावर, पांच दुने दस। कितनी जोर जोर से रट रहे ये बच्चे, बस और नहीं सुन सकती। ये जो कर रहे हैं वो उनके विद्यार्थियों के हित में है। बस 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 शांत, सब बच्चे अपनी अपनी तख्ती निकालेंगे और उस पे ये पहाड़ा लिखेंगे और देखेंगे किसे याद हुआ है और किसे नहीं, ठीक है? आपने मेरे कारण बच्चों को लिखने के लिए कहा है ना? हाँ, मैंने तुमसे वादा जो किया तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए, और साई ने भी कहा है वादा करो तो उसे निभाओ। साई की कोई खबर? पानी, पानी लग जाए। आपकी तबीयत खराब है इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ आपकी तबीयत जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। आपने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है उस तमाशा वाले के पास जाकर, लेकिन क्या करूँ, पत्नी हूँ ना आपकी, आपकी सेवा तो करनी ही है, चाहे आप इसके योग्य हो या ना हो। मुझे माफ कर दो गुणवंता, मैं
गरम तेल की मालिश करने से शरीर में गर्मी आएगी। गुणवंता, तुम इसके पास ही रहना। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, उसके बाद द्वारका माई जाऊंगी साई के लिए खाना लेकर। साई को खाना खिलाने? लो कर लो बात। आपको कैसे पता चला कि साई लौट आए हैं? साई ज्यादा देर तक द्वारका माई से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वो जानता है कि मैं उसकी राह देख रही हूँ। मैं ही नहीं, पूरी शिरडी उसकी राह देख रही है। सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए, बावराए मनवा तेरा नज न जा, मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई। चलिए पंता जी, अंदर जाते हैं। हाँ। ये टूट जाएगा वहां से। कुछ दिखाई दे रहा है अंता जी? पंता जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब लोग मातम मनाने? आप हटिए, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ। पंता जी, जो मैं सुन रहा हूँ क्या वही देख रहे हैं? हाँ, अंदर त्रंबक मरा पड़ा है और उसके शव के पास में केवल उसकी पत्नी है, पर बाकी के लोग कहाँ हैं? लगता है सब लोग खंडर गए हैं उस बैरागी को सबक सिखाने। अंता जी, गुणवंता अंदर चली गई है, हम शव को पास में जाकर देखते हैं। चलिए।
जी, ये सच में मरा पड़ा है या ऐसे लेटा हुआ है? मैं देखता हूँ। अरे तुम लोग, अच्छा त्रंबक का हालचाल पूछने आए हो? तुम दोनों को कैसे पता चला कि इसकी तबीयत खराब है? नहीं, सिर्फ तबीयत खराब है। नहीं, वो गांव वाले कह रहे थे ना, त्रंबक ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, साई ने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया। तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो ना इसके, है ना? तभी तो हालचाल पूछने आ गए जल्दी जल्दी। यहाँ कहाँ बैठे हुए हो? यहाँ बैठो ना, बैठो, अच्छे से हालचाल पता करो। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ, बैठो। अरे बैठो। खाइए पत्ता जी। पंता जी, अब क्या करेंगे? ये तो जिंदा है। पंता जी, मौका मिले ना तो इसे यही मार देते हैं। ये क्या है? पकौड़े। पकौड़े? हाँ, तुम लोगों को बहुत पसंद है ना, खुद भी खाते हो दूसरों को भी खिलाते हो। खाओ। नहीं तो। नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं तो का क्या मतलब, पकोड़े तो खाने ही पड़ेंगे। ये लो पकोड़े, ये तो लाल मिर्च है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। ये लो। तलमुहो। इस घर की तरफ आंख उठा के देखा ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी, कुरकर्णी के चमचे। नहीं छोड़ी थी हमें अंधा करने की। वो दोनों सास बहू तो मानो झांसी की रानी हो गई है। पता नहीं कौन सी लाल मिर्ची थी, इतना रगड़ रगड़ के धोने से भी जलन नहीं जा रही। ये सोचकर परेशान हूँ कि कुलकर्णी सरकार को जब पता चलेगा कि त्रंबक मरा नहीं है, जिंदा है, तब क्या होगा? सरकार तो हमें मार ही डालेंगे। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, साई से दवा लेने के लिए रुका था इतनी देर तक, लेकिन कब तक रुको? तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं साई कब तक आएंगे, जाके वापस आते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि साई यहाँ किसी भी समय वापस आ सकते हैं। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि इतने लोग साई से इलाज कराने के लिए रुके हैं, अगर साई वापस आ भी गए तो क्या वो इलाज करेंगे?
पर गांव वालों तो कह रहे थे कि साई ने कसम खाई है कि वो किसी को औषधि नहीं देंगे। क्या 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 क्या, साई अब किसी को दवा नहीं देगा? जी हाँ। जी, त्रंबक की तबीयत बिगड़ने के बाद से ढोंगी ने ये निर्णय लिया है कि वो अब किसी को भी औषधि नहीं देगा, और तो और शिरडी भी छोड़कर चला गया है साई। अगर ये खबर सरकार को हमने दी तो हो सकता है हमारी जान बच जाए, और अगर हम साई के पास आए मरीजों को सरकार के पास ले जाए तो सोचिए सरकार हमें वो इनाम देंगे जो उन्होंने आज तक नहीं दिया। कैसे सोच लेते हैं आप इतना सब कुछ पंडित जी? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? जी अपने घर। पर तुम तो साई से इलाज करवाने आए थे ना? लेकिन साई तो है नहीं। साई नहीं है तो क्या हुआ, कुलकर्णी सरकार तो है ना। और वैसे भी शिरडी के एकमात्र वैद्य है वो। लेकिन कुलकर्णी सरकार तो बहुत पैसे लेते हैं। लो अंता जी, मुफ्त में इलाज करके जान जाए ये चलेगा ही नहीं, लेकिन पैसे देकर जान बचाना ये इन्हें मंजूर नहीं है। अरे साई कोई वैद्य थोड़े ना है। क्या साई वैद्य नहीं है? साई वैद्य? अरे वो मरीजों को सांप का जहर दे देता है। अरे हमने तो ये भी सुना है कि वो इलाज के नाम पे घास फूस पत्ते देता है लोगों को। और नहीं तो क्या, तुम्हें जो करना है वो करो, जाओ। हम लोग तो वैसे तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे। सही कह रहे हो भाई, मैं तो कुलकर्णी सरकार के पास ही जाऊंगा। तुम दोनों क्या सोच रहे हो, चलो हमारे साथ। साई के इलाज करने का अंदाज अलग जरूर है, पर हमने साई के उपचार के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमारे गांव में मोटू मल को नींद न आने की बीमारी थी, पर साई ने उसे बिना दवा के ठीक कर दिया। आप लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो अपना इलाज साई से ही करवाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। शाम को अगर तुम वापस आए और साई ना मिले तो आ जाना कुलकर्णी सरकार के पास तुम्हारे इलाज के लिए। चलो कुलकर्णी सरकार के पास इलाज के लिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। जी बाबू।
तुम यही हो, ये तुम्हारा ही चमत्कार था। साई, मैं जानती हूं तुम यही हो, मेरे आसपास। ऐसा मत करो साई, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साई, जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाओगे मैं यहां से नहीं जाऊंगी, हिलूंगी भी नहीं। प्रसाद लीजिए। जय खंडोबा। प्रसाद लीजिए। अरे भाई साहब का, आपका भाई यहां, लीजिए प्रसाद लीजिए। कि साई जंगल में, मैं जानती हूं वो जंगल में, उसी ने मुझे बचाया, वही था वो। आप सच कहते थे महालसा पति जी, गहरी ठेस पहुंची है उसके मन को, दर्द से तड़प रहा है मेरा बेटा, इसलिए वो सबको छोड़ के चला गया, क्यों जाने दिया उसे। इस तरह दुखी ना हो बायजा मां, तुम तो समझो मुझे, मैं अभी नहीं आ सकता,
सकता है वो सबसे दूर जाना चाहता, लेकिन अपनी माँ से दूर नहीं जा सकता। माँ की ममता उसे वापस लाएगी, जरूर लाएगी। अगर वो दृढ़ है तो मैं उससे अधिक दृढ़ हूं, क्योंकि उसकी माँ हूं मैं। काम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तू मोरे तारण हार। ओम साई 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 चाहते थे, साई से मुक्ति मिल गई आपको। मुक्ति? हाँ हाँ सरकार, साई शिरडी छोड़कर चला गया है और जाते जाते ये कह गया है कि वह किसी को दवा नहीं देगा। हाँ सरकार, आखिर वो बैरागी पलायन कर ही गया शिरडी से, खबर पक्की है ना? हाँ सरकार, वैसा नहीं होता तो ये लोग आपके पास क्यों आते? अगर आप इनका इलाज करेंगे तो ये लोग अपने अपने गांव जाकर सभी लोगों को ये कहेंगे कि कुलकर्णी सरकार ने हमारा इलाज किया, और उसके बाद सभी लोग आप ही से इलाज कराने आएंगे ना। बिल्ली की भाग्य से झिंका टूटा। हरि ओम, श्रेय चाहिए इसका? जाओ दिया, दिया श्रेय तुम दोनों को। वो तो मेरे सेवक, थोड़ा थोड़ा तंत्रा सीख रहे हो मुझसे। हरि ओम, बढ़िया है। हरिओम हरिओम। तुम सब लोग भाग्यशाली हो जो कुलकर्णी सरकार से उपचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम लोगों को। हरिओम।
तुम्हारे साथ वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना तुम लोगों ने कभी नहीं की होगी सपने में भी। मैं ये घोषणा करता हूं कि आज से एक सप्ताह तक बिना पैसे लिए लोगों का उपचार करूंगा मैं। हरिओम। बोलो कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। मेरे विचार से हमें घर लौट जाना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर घर लौटने के लिए कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। हाँ हमें लौट जाना चाहिए, कल सुबह ही आएंगे, हो सकता है तब तक साय वापस लौट आए। ठीक है कल सुबह ही आते हैं। ना मैं त्रंबक को साई के पास लाती, ना ये सब होता। साई के दुख का कारण, इतने लोगों के दुख का कारण मैं ही हूं। चोट पहुंचा रहे हो ताकि जो चोट मुझे मिली है उसे भुला सकूं। क्या हुआ भाई, क्यों दुखी हो? श्रवण कुमार की तरह एकलौता और आज्ञाकारी बेटा था मेरा। पिछले साल ही उसकी धूमधाम से शादी कराई थी मैंने। कुछ ही दिनों में वो बाप बनने वाला था और एक दादा, लेकिन लेकिन उसके पहले ही अब वो अपनी होने वाली संतान का मुंह नहीं देख पाएगा और मैं अपनी संतान का। सब मेरी गलती है। तुम्हारी गलती? हाँ मेरी ही गलती थी। मेरी जिद थी को मेरे साथ कुंभ स्नान के लिए नासिक चले। गोदावरी में स्नान करते वक्त अच्छी डुबकी लगाई कि ऊपर आया ही नहीं, पानी की तेज धारा में बह गया। मेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी वजह किसने कहा कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है? वो तो यही है और खुश भी। आराम से क्या कर रही हो तुम? इधर यहां बैठो। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं आके भर देता पानी। घर में बिल्कुल भी पानी नहीं था इसलिए निकल पड़ी, और वैसे भी इस अवस्था में पूरा आराम करना नुकसानदेह हो सकता है। मैं ठीक हूँ। सच में ना? हाँ। और कोई बात तो नहीं ना? चक्कर वाली बात इन्हें बताई
तो ये बेवजह परेशान हो जाएंगे। ऐसी हालत में चक्कर तो आते ही है। पता है, द्वारका माई में सारे लोग इंतजार कर करके वापस चले गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि द्वारका माई इतनी सोनी हो जाएगी। सिर्फ द्वारका माई नहीं, पूरा शिरडी सुना हो गया है। एक बाप के लिए सबसे बड़ा दुख उसके संतान की मौत होती है, और तुम तो उसका मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अब तो तुम यही कहोगे ना कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है, और आत्मा के रूप में मेरा बेटा मेरे साथ है। अरे क्या करूं उस आत्मा का, क्या करूं उस आत्मा का, जिसे मैं देख नहीं सकता, जिसे मैं सुन नहीं सकता, जिसे मैं बातें नहीं कर सकता, जिसे जिसे मैं गले नहीं लगा सकता। क्या करूं उस आत्मा का, क्या करूं। पिताजी, पिताजी, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है मुझे, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ हो बेटा? दादाजी, दादाजी। पिताजी, मैं सचमुच आपके साथ हूँ और खुश हूँ। मेरे मौत के जिम्मेदार आप नहीं हैं। आपसे बेहतर पिता तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपका पोता बनकर। सुना आपने, आपका बेटा, आपका तानाजी शीघ्र ही घर वापस आएगा। जाओ, अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। श्रद्धा और सबूरी रखना, राम जी भला करेंगे। कौन हो तुम? क्या तुम भगवान हो? तुमने मेरा बेटा मुझे कैसे दिखा दिया? ओम साई, 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 ओम साई। जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही होगी, और वैसे भी तुम्हारी चिंता जताने से किसी का भला नहीं होगा। लो, कर लो बात। अरे, आपको कुछ भी खरी खोटी सुना के जा रही है और अभी चुपचाप सुनना पड़ रहा है? अरे, अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ा है तो वो मेरा तोड़ा है। फिर भी मैं आपकी देखभाल कर रही हूँ ना। भले ही मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से तो नहीं भाग रही ना। अपनी बाईजा ताई को देखिए, उन्हें तो आपसे ज्यादा साई की चिंता है। ताई,
आप उससे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए ताई। हादसे की वजह से कोई भी दर्शक यहां आने को तैयार नहीं। मुझे लगता है हमें यह जगह छोड़ के जाना ही होगा। और उस रात जो आस पड़ोस गांव के लोग यहां आए थे, उन्होंने अपने अपने गांव में यह बात फैला दी है। हमारी बदनामी हो गई है, अब हमें कोई दूर का गांव ही देखना पड़ेगा। उस दिन वो दो आदमी उस बेचारे को लेकर शिरडी से ही आए थे ना? हाँ, हम लोग शिरडी चलेंगे। शिरडी? लेकिन वहां तो ये बात फैल गई होगी कि वो पकौड़ा वाला हादसा हमारी वजह से हुआ। नहीं, अगर उन दोनों ने उस आदमी के साथ छल किया है तो वो कभी भी किसी को भी शिरडी में इस बात की खबर नहीं लगने देंगे। और वैसे भी अगर शिरडी के लोगों की वजह से मेरा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई तो अब शिरडी के लोगों को ही करनी पड़ेगी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को तो इस समय विद्यालय में होना चाहिए था। क्या साई शिरडी छोड़कर चला गया है? नहीं छिपरी, हमेशा के लिए नहीं गया। कल से नहीं देखा मैंने साई को, मैं तो सोई भी नहीं सारी रात। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जब भी मैं साई को नहीं देखती हूँ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है मेरे साथ। जैसे आज सुबह मैं गिर गई, ये देखिए। साई भी तुम लोगों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम लोग उनसे करते हो। उनका भी मन कहां लग रहा होगा तुम लोगों के बिना। बहुत जल्द लौट आएंगे, लेकिन जब वो लौटेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें दुख होगा ये देखकर कि तुम बच्चों ने अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी। जानते हो तुम लोग साई ने मुझसे एक बार क्या कहा था? जब कोई इंसान हमारे साथ हो, हमारे पास हो, तो उसे प्यार करना आसान होता है, प्यार जताना आसान होता है। लेकिन वही इंसान जब हमसे दूर हो तो उसे प्यार कैसे करें? बताओ, क्या सिर्फ उसे याद कर लेना काफी है? नहीं, तब उसके आदर्शों को जीना चाहिए, उसके अच्छे विचार, अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। उससे जो कुछ भी सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और साई ने हमें क्या सिखाया? यही कि अपना कर्म करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। और तुम बच्चों की क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या कर्म है तुम्हारा? पढ़ना,
और यही तो साई भी चाहते हैं ना। हम समझ गए अध्यापक जी, हम पढ़ाई करेंगे। और जैसे ही हम पहले द्वारका माई की देखभाल करते थे वैसे ही देखभाल करेंगे, तब तो साई खुश होंगे ना। वो जल्दी आएंगे ना? अवश्य जल्दी, बहुत जल्द लौटेंगे। साई तो खुद प्रेम और करुणा का स्रोत है, तो फिर वो कैसे किसी के प्रेम की पुकार को अनसुना कर सकते हैं। आज मुझे यहाँ से भेजने के लिए तुम कौन सा चमत्कार करते हो साईं?